बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है मुंबई के गोरेगांव के संतोष नगर इलाके से, जहां एक वयोवृद्ध नागरिक व समाज सेवी कृष्णानंद दीक्षित ने ज्योति बिल्डर्स के वॉचमैनों पर प्राणघातक हमले का आरोप लगाया है। अत्यधिक चिंता की बात यह है कि अभी तक पुलिस इस मामले में धृतराष्ट्र बनी नजर आ रही है। आइए देखते हैं इस मौके पर पीड़ित दीक्षित जी ने क्या कुछ कहा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? घटना घटने का मेन कारण है कि 25 तारीख को सोरनी कंपाउंड, सोरनी सिटी कंपाउंड में बीएमसी द्वारा डिमोलिशन किया गया गलत तरीके से, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के आदेश है कि कोविड को देखते हुए 19 दिसंबर तक कोई भी डिमोलिशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस आदेश को दरकिनार करते हुए बीएमसी पी साउथ महानगर पालिका द्वारा अनाधिकृत तरीका से वहाँ पर डिमोलिशन किया गया, जिसमें हम बम्बई उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और मेरे साथ में दिनेश सिंह उपाध्यक्ष मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय सेल के थे। हम लोगों ने जाकर इंजीनियर को पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बात है। इस चीज़ को देखते हुए अकबर ललानी बिल्डर उनके पार्टनर दोनों हम लोग पर नाखुश थे। कल रात को 11 बजे 5-7 गुंडे को भेज करके उन्होंने मेरे को चाह के उठा करके ले जा करके मार दूँ। वो गुंडे आए मेरे को बोले 10:30-11 बजे रात में ऑफिस में चलो अंदर। हम बोला अंदर अभी नहीं जाएंगे, रात का टाइम है, कल जाएंगे। ये लोग नहीं माने। फिर एक शंकर भाई से फ़ोन लगाकर बात कराए, शंकर भाई बोला कि आप अंदर आ जाओ चाचा। हम बोला नहीं अंदर नहीं आएंगे, तो बोला कि आप रोड पर आ जाओ, गेट के सामने मैं आता हूँ। तो उसके कहने पर मैं गेट के सामने गया, तब तक गेट जब खुलने को खुला तो अंदर से शंकर भाई बोला कि मार माधा चोर को पकड़ के अंदर लाओ, अगान में गोली मार दो। इतना सुनते ही मैंने फट वहाँ से भागा, मेरा चप्पल गिर गया और भागने के बाद मैं जान बचा करके भाग करके पुलिस चौकी में गया। हालांकि पुलिस चौकी में कोई पदाधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे, फिर भी मैं बैठा रहा। दिनेश सिंह को मैं फ़ोन किया, दिनेश सिंह गाड़ी लेकर के आए। फिर मैं वहाँ से बड़ी चौकी में आया। बड़ी चौकी में आने के बाद पाटिल साहब PSI थे, उन्होंने अपना ड्यूटी ऑफिसर थे, FIR करने वगैरह का कोशिश किए, प्रयास किए, मेरे को मेडिकल दिए। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, मेडिकल करा के लाया। मेडिकल कराने के बाद ये लोग मेरे पॉकेट में फाड़ करके, कुर्ता का पॉकेट फटा है, खींचा ऐसे पकड़ने को, फट गया, पैसा गिर गया। कौन लिया उसमें मैं नहीं देखा, 400-500 रुपया भी ले लिया मेरा। और उसके बाद से ये लोग वो पार्टी को भी बुलाया, दोनों पार्टी आया, रात को 2:30 तक बच गया। ये लोग MC किए, FIR नहीं किए। ये लोग बात से मालूम पड़ा कि ये लोग सरासर बिल्डर के पक्ष में काम कर रहे थे इतनी बड़ी चीज़ पर। इसलिए मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि 2-4-5 दिन में बिल्डर से मेरे को खतरा है। किसी भी आदमी को लुखा टपोरी को 1,50,000-2 लाख दे करके मेरा मर्डर करा देगा हमारी जान का। बोलिए। मैं दिनेश प्रताप सिंह, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय सेल प्रकोष्ठ। आज अकबर ललानी नाम का बिल्डर ज्योति बिल्डर के नाम से प्रॉपर्टी बनाता है, उसने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो भी अनलीगल है, जो पटरा मारा अनलीगल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 20 दिसंबर तक कोरोना में किसी का अनलीगल घर नहीं तोड़ा जाए। फिर भी BMC तोड़ करके एक को घर से उजाड़ दिया और बिल्डर को पटरा मरवा दिया, जबकि माहिती के अनुसार अभी तक उस बिल्डर को जगह गवर्नमेंट ने दिया नहीं है कागज पत्र पे। तो कृपया करके मैं CM जी से अनुरोध करूँगा कि उस पर दखल दे। आज हमारे सीनियर कार्यकर्ता के ऊपर 28 तारीख को रात को प्राणघातक हमला हुआ है, उसका निषेध करते हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी के नाते मैं उद्धव ठाकरे जी से अपील करता हूँ कि अगर उचित न्याय नहीं दिया तो आंदोलन व धरना प्रदर्शन व उग्र प्रदर्शन बम्बई में किया जाएगा, क्योंकि सीनियर कार्यकर्ता के ऊपर हाथ उठाना गैर कानूनी है। जय हिंद, जय भारत।